जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज से हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के सेकंड पेपर का 6th चैप्टर अर्धचालक और इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ वगैरह से संबंधित है, जिसके अंतर्गत पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी नैज अर्धचालक या निज अर्धचालक के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग बाह्य अर्धचालक के बारे में पढ़ेंगे। तो देखें, हम आपको बता दें कि आपने देखा था कि निज अर्धचालक का एग्जाम्पल हमने लिया था जर्मेनियम, और हमने आपको बताया था कि जर्मेनियम के बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी जर्मेनियम की संयोजकता 4 होती है, और उसके चारों तरफ उपस्थित जो 4 परमाणु होते हैं इसके एक एक इलेक्ट्रॉन से साझा करके सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना देते हैं, लेकिन सामान्य ताप पर 10^9 परमाणुओं के मध्य से एक बंध टूट जाता है और एक बंध टूटने से 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। लेकिन जब निज अर्धचालक पदार्थ में कोई बाहर से अशुद्धि मिला दी जाती है तो निज अर्धचालक पदार्थ की जो अर्धचालकता है वह अर्धचालकता बढ़ जाती है। तो ध्यान से समझिए आप, तो बाह्य अर्धचालक को कैसे डिफाइन करेंगे कि जब निज अर्धचालक पदार्थ में कोई बाहर से अशुद्धि मिला दी जाती है तो निज अर्धचालक पदार्थ की अर्धचालकता बढ़ जाती है। क्योंकि निज अर्धचालक में बाहर से अशुद्धि मिलाई गई थी, इसलिए अब इसको निज अर्धचालक पदार्थ न कह करके बाह्य अर्धचालक पदार्थ यानी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब हम आपको बता दें कि ये जो बाह्य अर्धचालक पदार्थ होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो देखें, बाह्य अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं। एक एन प्रकार का बाह्य अर्धचालक या जिसको हम कहते हैं एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो सबसे पहले हम लोग ये एन प्रकार का जो बाह्य अर्धचालक है इसको समझा जाए कि ये बाह्य अर्धचालक क्या है। जर्मेनियम की आपने विशेषता तो देखी थी, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि निज अर्धचालक पदार्थ में जब बाहर से कोई ऐसी अशुद्धि मिला दी जाए जिसकी संयोजकता 5 होती है, दूसरे शब्दों में कह लीजिए जिसके बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखे रहिएगा ये पॉइंट, निज अर्धचालक पदार्थ में बाहर से कोई ऐसी अशुद्धि मिला दी जाती है जिसके बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उदाहरण के तौर पर हम आर्सेनिक ले सकते हैं, एंटीमनी ले सकते हैं, इनके बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फास्फोरस को भी ले सकते हैं, फास्फोरस के बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सबसे पहले जरा हम लोग अध्ययन करें कि जर्मेनियम निज अर्धचालक पदार्थ था और जर्मेनियम के अंदर हम बाहर से किसी ऐसे पदार्थ को मिला रहे हैं जिसके बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। उदाहरण के तौर पे चलिए हम आर्सेनिक मिला रहे हैं, तो चलिए देखिए क्या होता है। तो जैसा कि कल हमने आपको जो व्यवस्था बताया था उस व्यवस्था को ही समझना है और देखना है कि बाहर से जब हम आर्सेनिक मिला रहे हैं तो इसमें क्या परिवर्तन हो रहा है। देखिए, ये जो है जर्मेनियम के परमाणु हैं, जर्मेनियम के परमाणुओं को हम दिखा रहे हैं, बीच में हम जो है एक जगह आर्सेनिक दिखा दे रहे हैं। देखिए, एक जगह आर्सेनिक अशुद्धि मिलाई गई है, इस अशुद्धि को हम दिखा देते हैं। तो फिर देखिए क्या परिवर्तन हो रहा है, अशुद्धि मिलाने से कितने का परिवर्तन हो रहा है ये हम लोगों को देखना होगा।
ये सब जितने जो दिखाई दे रहे हैं सब ये जो हैं जर्मेनियम हैं। आप हमारे साथ बनाते चलें, बनाएंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर हम इरेज कर देंगे। ये सब जो है जर्मेनियम है। और हमने आपको बताया था कि जर्मेनियम के बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो चलिए चारों इलेक्ट्रॉनों को हम दिखा देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, फिर चारों इलेक्ट्रॉनों को हम यहाँ दिखा देते हैं। जो निज अर्धचालक में हमने व्यवस्था दिखाया था उसी व्यवस्था को यहाँ दिखा देते हैं। इसके बाहरी कक्ष में है, जर्मेनियम के बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उन चारों इलेक्ट्रॉनों को हम यहाँ दिखा रहे हैं। जिस व्यवस्था को हमने निज अर्धचालक पदार्थ में दिखाया था इसी को हम यहाँ दिखा रहे हैं। तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब जरा देखें इसमें क्या हो रहा था। तो जर्मेनियम का एक परमाणु अपने चारों तरफ उपस्थित जर्मेनियम के अन्य परमाणुओं के एक एक इलेक्ट्रॉन से साझा करके एकल सह संयोजक बंध बना रहा था। देखिए क्या हो रहा था, यहाँ साझा हो गया, यहाँ साझा हो गया, ये हो गया, फिर इसी तरह से यहाँ साझेदारी हो गई, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, सॉरी अभी हम केवल जर्मेनियम के बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉनों को दिखा रहे हैं। और परमाणुओं को समान दूरी पे दिखाइएगा, हमारा थोड़ा सा दूरी चेंज हो गया है, बराबर दूरी पे दिखाइएगा आप लोग। अब जरा देखें आप क्या है, आर्सेनिक के बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आर्सेनिक के बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। देखिए इसके इलेक्ट्रॉनों को हम कलर करके दिखा रहे हैं, आर्सेनिक के इलेक्ट्रॉनों को होल जैसे, सॉरी जर्मेनियम के इलेक्ट्रॉनों को होल की तरह दिखा रहे हैं और आर्सेनिक के इलेक्ट्रॉन को हम कलर करके दिखा रहे हैं। तो ये एक हो गया, ये दो, ये तीन, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। अब देखिए क्या है, तो आर्सेनिक का एक इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम के एक इलेक्ट्रॉन से साझा करके सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। फिर यहाँ आर्सेनिक का एक इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम के साथ बॉन्ड बनाएगा, फिर यहाँ बॉन्ड बनाएगा, फिर यहाँ बॉन्ड बनाएगा। अब जरा देखिए क्या हो रहा है। नॉर्मली निज अर्धचालक पदार्थ में क्या होता है कि जब निज अर्धचालक पदार्थ जैसे कि जर्मेनियम में, हमने आपको बताया था कि सामान्य टेम्परेचर पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर 10^9 परमाणुओं में से एक के लिए बंध टूट जाता है, और एक के लिए बंध टूटता है तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। अब जरा देखिए क्या है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन तो मुक्त होंगे ही जर्मेनियम से, लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि आर्सेनिक के बाहरी कक्ष में जो 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन तो बंध गए लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन जो है ये मुक्त हो गया। ये इलेक्ट्रॉन जो देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहा है। तो अब देखिए अगर एक परमाणु एक बंध के मुक्त होने से दो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहा है, एक बंध टूटने से 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहा है, और यहाँ पर जब आर्सेनिक मिला दे रहे हैं तो एक परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जा रहा है। तो आर्सेनिक की जितनी मात्रा इसमें मिलेगी इलेक्ट्रॉन उतने ही ज़्यादा मुक्त होंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे तो अर्धचालक पदार्थ की जो अर्धचालकता है ये अर्धचालकता उतनी बढ़ती जाएगी और इस प्रकार इसका उपयोग जो है बढ़ता जाएगा। लेकिन देखिए
यह अर्धचालक पदार्थ की अर्धचालकता किसके वजह से बढ़ रही थी? तो इलेक्ट्रॉन के वजह से बढ़ रही थी, क्योंकि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जा रहा था। ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के वजह से अर्धचालकता बढ़ रही थी। और आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋण आवेश होता है, और ऋण को हम कहा करते हैं निगेटिव, और निगेटिव शुरू होता है यन से। तो इसलिए इस प्रकार का जो बाह्य अर्धचालक होता है उसको हम कहते हैं यन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या यन प्रकार का बाह्य अर्धचालक। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि यन प्रकार का बाह्य अर्धचालक क्या है, तो आप बताएंगे कि जब निज अर्धचालक पदार्थ में बाहर से कोई ऐसी अशुद्धि मिला दी जाए जिसके बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन हो, तो उस जैसे कि आर्सेनिक, तो इसके बाहरी कक्ष में उपस्थित 4 इलेक्ट्रॉन आसपास के जर्मेनियम परमाणु के एक एक इलेक्ट्रॉन से साझा करके सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना करके स्टेबल हो जाते हैं, लेकिन उसमें एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन बंधन से मुक्त रहता है। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है अर्धचालक पदार्थ की अर्धचालकता को बढ़ा देता है, क्योंकि अर्धचालक पदार्थ की अर्धचालकता को ये इलेक्ट्रॉन बढ़ाता है, और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। ऋण आवेश को इंग्लिश में निगेटिव चार्ज कहते हैं, और निगेटिव यन से शुरू होता है। इसलिए इस प्रकार का जो बाह्य अर्धचालक होता है, जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, इसे हम कहते हैं यन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्लियर हो गया आप सबको? अब इसके बाद हम आपको यही बता देते हैं पी टाइप का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये पी टाइप का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है इसको भी आप समझ लें। पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो पी टाइप का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, देखें, जब निज अर्धचालक पदार्थ में बाहर से कोई ऐसी अशुद्धि मिला दी जाए जिसके बाहरी कक्ष में केवल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी जिसकी संयोजकता 3 होती है, याद रखे रहिएगा, जिसकी संयोजकता केवल 3 होती है, तो जानते हैं यहाँ पर क्या होता है। देखिए, अब यहाँ पर हम जो है बाहर से कोई ऐसा तत्व हम मिला रहे हैं जिसके बाहरी कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो एल्यूमिनियम है, बोरान है, गैलियम है, और फिर इंडियम है, इन सबके बाहरी कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब हम सपोज कीजिए यहाँ पर हम एल्यूमिनियम मिला रहे हैं, निज अर्धचालक पदार्थ में बाहर से कोई ऐसी अशुद्धि मिला दी जा रही है जिसके बाहरी कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, और एग्जाम्पल लिए हम एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम के बाहरी कक्ष में तो 3 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। और देखिए, हम एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन को दिखा रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एल्यूमिनियम का है, दूसरा यहाँ है, और तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ है। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, तो अब जर्मेनियम का एक इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम के एक इलेक्ट्रॉन से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, और फिर क्या होता है, फिर एल्यूमिनियम का एक इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम के एक इलेक्ट्रॉन से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, फिर ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी एल्यूमिनियम के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। लेकिन अब क्या होगा, जरा देखिए, यहाँ पर जर्मेनियम के बाहरी कक्ष में देख रहे हैं, एल्यूमिनियम के बाहरी कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन थे, तीनों इलेक्ट्रॉन जो है एकल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना करके ये स्टेबल हो गए, लेकिन यहाँ जर्मेनियम के बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है, तो जानते हैं क्या होता है। ये माना जाता है कि जब बाहर से अशुद्धि ट्राइवेलेंट वाली अशुद्धि, यानी ऐसा तत्व जिसकी संयोजकता 3 हो, जब उसको मिलाया जाता है, तो ये माना जाता है कि यहां पर पहले इलेक्ट्रॉन था,
लेकिन वो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके चला गया। यहां क्वार्टर की परिकल्पना हम आपको बता दें जिसको होल कहते हैं। देखिए ऐसा माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन किसी एक गड्ढे में धंसा रहता है, ऐसा माना जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाता है, इस जगह को छोड़ देता है, तो यहां एक गड्ढे का निर्माण हो जाता है। इस गड्ढे को होल कहते हैं और होल को हिंदी में क्वार्टर कहा जाता है। हिंदी में क्वार्टर कहते हैं और इंग्लिश में होल कहते हैं। अब जरा ध्यानपूर्वक देखें तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है और जब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाता है ना, तो क्वार्टर का निर्माण होता है और क्वार्टर के ऊपर धन आवेश होता है। इसको आप याद रखे रहिएगा, ये क्वार्टर की कल्पना है, क्वार्टर की परिकल्पना है। अब जरा ध्यानपूर्वक देखें तो ऐसा माना जाता है कि एल्यूमिनियम के बाहरी कक्ष में जो तीन इलेक्ट्रॉन थे, तीन इलेक्ट्रॉन अपने आसपास के एक एक परमाणु के एक एक इलेक्ट्रॉन से एक एक इलेक्ट्रॉन की साझा कर उसका साझेदारी करके सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। लेकिन यहां पर एक क्वार्टर होता है, ये क्वार्टर है, यहां मैं लिख दे रहा हूं, ये क्वार्टर या होल इसको कहते हैं, क्वार्टर है, क्वार्टर पे धन आवेश होता है। तो ऐसा माना जाता है कि यहां से क्वार्टर, यहां इलेक्ट्रॉन कभी था और इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के चला गया, तो इलेक्ट्रॉन निकल कर चला गया तो यहां क्वार्टर का निर्माण हुआ। तो अब जर्मेनियम का जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को ये भ्रम हो जाता है कि यहां भी एक इलेक्ट्रॉन है और इस इलेक्ट्रॉन से ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। लेकिन ये बॉन्ड जो होता है ये अस्थाई होता है, ये बॉन्ड जो है एक तरह से कह लीजिए झूठा बॉन्ड होता है, ये अस्थाई होता है। तो अस्थाई होने से क्या होता है, जर्मेनियम का ये इलेक्ट्रॉन तो ये समझता है कि हम एक इलेक्ट्रॉन से साझा किए हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन से साझेदारी करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन स्टेबल हो जाता है। लेकिन यहां पर जो क्वार्टर होता है वो क्वार्टर स्टेबल नहीं होता है, और क्वार्टर स्टेबल नहीं होता है तो क्वार्टर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के चलने के विपरीत दिशा में गति करता है। तो जब क्वार्टर इलेक्ट्रॉन के चलने के विपरीत दिशा में गति करता है तो इस क्वार्टर के वजह से याद रखे रहिएगा विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के चलने के विपरीत दिशा में होती है और क्वार्टर के चलने के दिशा में होते, क्वार्टर जिस दिशा में चलता है विद्युत धारा का प्रवाह उधर के ही तरफ होता है। तो अब चूंकि ये इलेक्ट्रॉन तो जो झूठा कोवेलेंट बॉन्ड होता है इसके साथ जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉन तो स्टेबल हो जाता है, लेकिन एल्यूमिनियम के बाहरी कक्ष में जो एक क्वार्टर था वो क्वार्टर स्टेबल नहीं होता है। अब ये क्वार्टर फ्री हो जाता है और फ्री होकर के पूरा जो अर्धचालक पदार्थ है उस अर्धचालक पदार्थ में गति करता है, जिससे निज अर्धचालक पदार्थ की अर्धचालकता बढ़ जाती है। तो जब निज अर्धचालक पदार्थ की अर्धचालकता बढ़ जाती है तो ये निज अर्धचालक पदार्थ की जो अर्धचालकता है ये किसके वजह से बढ़ रही है, क्वार्टर के वजह से बढ़ रही है। और क्वार्टर पर कौन सा आवेश होता है, क्वार्टर पर धन आवेश होता है, और धन को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव कहते हैं। और पॉजिटिव किससे शुरू हो रहा है, पी से शुरू हो रहा है, पॉजिटिव पी से शुरू हो रहा है, तो पॉजिटिव पी से शुरू हो रहा है, इसलिए इस प्रकार का जो बाह्य अर्धचालक होता है इसको पी प्रकार का बाह्य अर्धचालक कहते हैं, एक्सट्रिंसिक पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इसको कहते हैं। तो ये रहा पी प्रकार का बाह्य अर्धचालक, और फिर इसके पहले आपने एन प्रकार का बाह्य अर्धचालक देखा। अब इसके बाद आपको देखना होगा कि पी और एन प्रकार के अर्धचालकों को जब आपस में मिलाया जाता है तो पीएन संधि का निर्माण होता है जो डायोड की तरह काम करता है, और फिर दो ठे क्रिस्टल, तीन क्रिस्टल जब आपस में जोड़े जाते हैं, एक पी क्रिस्टल होता है, दो एन क्रिस्टल, एक एन क्रिस्टल, दो पी क्रिस्टल, तो इस प्रकार ट्रांजिस्टर का निर्माण होता है जो ट्रायोड की तरह कार्य करता है। तो इन सारी चीजों को आपको आगे देखना है। फिलहाल हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये बातें क्लियर हो गई होंगी। आप लोगों को क्लियर हो गया? Yes, sir. तो आप सभी लोग अच्छी तरह से इसको तैयार कीजिएगा, आप
वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर। यूर्स वेलकम।